तो एपिसोड 19 लेकर आ गया ऑर्पन कल्टीवेटर का। वो लोग चैन को रिसीव करने के लिए उसके घर पहुंच जाते हैं। वो बोलता है, हे स्ट्रक्चर चैन, मैं डोंगलाई से हुआ हूँ, आपसे मिलकर बहुत ही बढ़िया लगा। वो लड़की बोलती है, हे इंस्ट्रक्टर हो क्या तुम? वो बोलता है, हे इंस्ट्रक्टर चैन, हमें अपना मिशन को कोई परवाह नहीं करना चाहिए क्योंकि हम लोग वॉरियर है। अगर आप मुझे हरा दोगे तो मैं मान जाऊंगा, नहीं तो वहाँ के सोल्जर लोग कैसे मानेंगे। वो लड़की बोलती है, इंस्ट्रक्टर वो कॉम्बैट इंस्ट्रक्टर है, तो इसलिए वो बहुत ही जल्दी गुस्सा करना स्टार्ट कर देते हैं। चिंता मत करिए जनरल इंस्ट्रक्टर, वो सभी लोग आपकी बात मानेंगे। चेन बोलता है, मैं क्यों लड़ूंगा, मैं जनरल इंस्ट्रक्टर हूँ और तुम मेरे असिस्टेंट हो, तुम्हें तो मेरा ऑर्डर मानना चाहिए ना। वो बोलता है, हम लोग वॉरियर है, तुम्हें मार्शल आर्ट वर्ल्ड का रूल का कोई फिक्र नहीं है क्या? चेन बोलता है, किसने बोला कि मैं वॉरियर हूँ? वो, मैं भी जनरल इंस्ट्रक्टर हूँ और मैं तुम्हें शांत होने को बोल रहा हूँ। वो चिल्ला के बोलता है, तुम? चेन बोलता है, मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, शांत हो जाओ। वो बोलता है, ठीक है जनरल इंस्ट्रक्टर। चेन बोलता है, ठीक है चलो चलते हैं। वो लड़की चैन को देखते हुए अपने मन में बोलती है, इसका तो हाथ खाली है, लगता है कि यह हाइकिंग में जा रहा है। वो लड़की चैन को बोलती है, जनरल इंस्ट्रक्टर मेरा नाम यू किंग है, मैं आपकी पर्सनल एडवाइजर हूँ, हम लोग कैंगलोंग बेस में जा रहे हैं, वो मिलिट्री एरिया है तो हम लोग रोड से जा नहीं सकते वहाँ पर, तो हमें वहाँ पर जाने के लिए एक हेलीकॉप्टर लगेगा, आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, मैं बता दूंगी। चैन बोलता है, नहीं मुझे कुछ पूछना नहीं है। वो लड़की अपने मन में बोलती है, ये पहले के जनरल इंस्ट्रक्टर के मुताबिक बहुत ही अलग है, इसके बारे में जो डेटा मिला है क्या वो गलत है क्या? वो अपने मन में बोलता है, चलो देखता हूँ लड़के, तुम वहाँ पर जाकर कमांडर और सोल्जर से कैसे लड़ते हो। दूसरी तरफ सभी लोग अपने नए जनरल इंस्ट्रक्टर का इंतजार कर रहे होते हैं। एक लड़का बोलता है, धत तेरी की, वो अभी तक आया नहीं है, हम लोग यहाँ पर पिछले 3 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। दूसरा लड़का बोलता है, यह नया जनरल इंस्ट्रक्टर बहुत ही ज्यादा फेमस है। सचमिच बोलता है, वो लोग बोल रहे थे कि लीडर लोग उसे अपॉइंट किया है और वो अभी 20 साल का कम उम्र का है, वो यहाँ पर हमें कॉम्बैट स्किल का ट्रेनिंग देने आ रहा है। टकला बोलता है, उसका उम्र 20 साल से कम है, जो हमारा पिछला इंस्ट्रक्टर था वो 40 से ऊपर था, तभी वो यहाँ पर इंस्ट्रक्टर बन पाया है। दूसरा लड़का बोलता है, जो पहला इंस्ट्रक्टर था कितना खून पसीना बहाकर मिलिट्री का काम करके तब जाकर वो जनरल इंस्ट्रक्टर बने थे। वहाँ का ऑफिसर बोलता है, हमें सवाल नहीं उठाना चाहिए, वो हमारा जनरल इंस्ट्रक्टर है, हमें उनकी बात माननी चाहिए। फिर सभी लोग चिल्लाते हुए बोलता है, ठीक है कैप्टन। फिर वो टकला चू के पास जाके बोलता है, हे चू, तुम्हें इतना नर्वस नहीं होना चाहिए, तुम एग्जाम को पास करके यहाँ पर हो। चू बोलता है, मैं तुम्हारे कैप्टन से सिखाऊँ। टकला बोलता है, जैसे ये इंस्ट्रक्टर आएगा यहाँ पर हम लोग पहले उसे लड़ेंगे। तभी पीछे से चश्मीर बोलता है, हे क्या तुमने कैप्टन का बात नहीं सुना, हम लोग से ऊपर लोगों का बात मानना चाहिए। टकला बोलता है, किसने बोला कि हम लोग बात नहीं मानेंगे, मैं तो सिर्फ अपना ताकत दिखाना चाहता हूँ, अगर उसके पास एबिलिटी है तो यहाँ पर इंस्ट्रक्टर बन सकता है वो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो काबिल भी है। चश्मीर बोलता है, फिर तुम कैसे लड़ोगे, चाकू से या फिर हथियार से? टकला बोलता है, नहीं नहीं, जबकि वो यहाँ पर फ्री हैंड फाइटिंग सिखाने आया है, फिर मैं उसे 1-on-1 फाइटिंग करने वाला हूँ। दूसरी तरफ वो लोग हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। यू बोलती है, हे जनरल इंस्ट्रक्टर चैन, हम लोग बेस में जल्दी पहुँचने वाले हैं। चैन बोलता है, ठीक है। यू बोलती है, हे जनरल इंस्ट्रक्टर, जब आप वहाँ पर जाओगे तो मुझे लगता है कि कुछ सोल्जर लोग आपको चैलेंज करेंगे, तो मुझे डर है कि आपको अपना स्किल दिखाना होगा। चैन बोलता है, हाँ मैं समझ सकता हूँ, मिलिट्री में जो ताकतवर लोग होते हैं उसे ही बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट मिलता है। यू अपने मन में बोलती है, अगर इसका एटीट्यूड इतना ही बुरा रहा तो मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर टिक भी पाएगा। वो अपने मन में बोलता है, चैन मैं तैयार हूँ तुम पर हंसने के लिए। तभी कुछ देर के बाद यू बोलती है, हम लोग बेस के इधर आ गए, क्या हम लोग उतर सकते हैं? चैन बोलता है, नहीं यहीं पर रुको। यू बोलती है, हे जनरल इंस्ट्रक्टर आप क्या कहना चाहते हो? चैन बोलता है, जो तुमने पहले कहा था कि मुझे अपना स्किल दिखाना होगा ना, तो वो लोग मेरा आज्ञा को मानेंगे ना? यू बोलती है, हाँ आप सही बोल रहे हैं, अगर आप अपने आप को साबित नहीं कर पाए तो मुझे लगता है कि आपको बहुत ही मुश्किल होगा। वो बोलता है, क्या तुम यहाँ से कूदना चाहते हो क्या? हम लोग बहुत ही ज्यादा ऊपर है, हे जल्दी से प्लेन को नीचे लो। चैन बोलता है, हाँ तुम सही हो, मैं यहाँ से कुदकने वाला हूँ। ये सुनकर वो लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या? तभी चैन हेलीकॉप्टर से कुदक जाता है। दूसरी तरफ सभी लोग हेलीकॉप्टर को देखते हैं, उसमें से एक आदमी बोलता है, हे ऊपर देखो एक हेलीकॉप्टर है, आखिरकार हमारा नया इंस्ट्रक्टर आ ही गया। चश्मीर टकला को बोलता है, हे ज्यादा तकलीफ मत पहुंचाना उसे। टकला बोलता है, चलो देखता हूँ कि वो कितना ज्यादा ताकतवर है। जो अपने मन में बोलता है, हे चैन तुम इंतजार करो, मैं कुछ दिनों में और भी ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा, फिर मैं तुमसे लड़ूंगा। वो लड़का बोलता है, वो हेलीकॉप्टर वहाँ पर क्यों रुक गया, क्या वो लोग लैंड करने वाले नहीं है क्या, और उसका दरवाजा भी खुला हुआ है। चश्मीर घबराते हुए बोलता है, हे तुम लोग वहाँ पर देखो, कोई हेलीकॉप्टर से कुदक गया है। ये देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या? तभी कुछ देर में चैन वहाँ पर आ जाता है और सभी लोग बोलते हैं, क्या ये भूकंप है क्या? टकला घबराते हुए बोलते हैं,
वो हेलीकॉप्टर से कुदक गया। शिव बोलता है सही में वो तो लाजवाब है। फिर वो जैसे ही चैन को देखता है वो शॉक्ड होके बोलता है ये तो वही है। चैन बोलता है हेलो सभी लोग मैं हूँ चैन बैक्सियन। टकला बोलता है क्या ये हमारा नया जनरल इंस्ट्रक्टर है। सचमिल बोलता है हे क्या तुम अब भी लड़ना चाहते हो कैसे, ये इतने ऊपर से कुदक गया है और इसे कुछ हुआ भी नहीं है। टकला बोलता है मैं ये पक्का बोल सकता हूँ कि बुलेट भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। वैसे ही मैं बहुत ही बड़ा पागल हूँ कि मैं बोला कि मैं इससे लड़ूंगा। फिर वो अपने आप को एक जोर से थप्पड़ मार देता है। जो बोलता है ये कैसे हो सकता है, चैन यहाँ का जनरल इंस्ट्रक्टर कैसे बन सकता है। कैप्टन बोलता है हेलो जनरल इंस्ट्रक्टर आपका यहाँ पर स्वागत है। फिर चैन बोलता है मैंने सुना कि तुम लोग मुझे गिराना चाहते हो, मैं यहाँ पर हूँ, क्या मुझे कोई चैलेंज करना चाहेगा। लेकिन सब लोग पहले ही घबराए होते हैं। चैन बोलता है जबकि कोई आगे नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है ना तुम लोगों को। वो लोग बोलते हैं नहीं कोई दिक्कत नहीं है। चैन चलाते हुए बोलते हैं जोर से बोलो। उसकी आवाज़ सुनकर सब लोग घबरा जाते हैं। तभी कैप्टन बोलता है जनरल इंस्ट्रक्टर हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। चैन बोलता है सही में तुम लोग एकदम बेकार हो, इसलिए मैं सोचूं कि तुम लोग पूरा कंपटीशन में सबसे पीछे क्यों हो। तभी कुछ देर के बाद हेलीकॉप्टर लैंड हो जाता है। यू बोलती है हे जनरल इंस्ट्रक्टर सही में आपका टैलेंट बहुत ही लाजवाब है। वो बोलते हैं जनरल इंस्ट्रक्टर चैन मुझे आपका ताकत पर पूरा विश्वास हो गया। चैन बोलता है ठीक है तुम लोग लंच करने चले जाओ। फिर वो लोग लंच करने चले जाते हैं और वो लोग वहाँ पर जाकर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाते हैं। एक लड़का बोलता है तुम्हें क्या लगता है जनरल इंस्ट्रक्टर हमें बहुत ही कम समझ रहा है। टकला बोलता है अगर मैं उसकी जगह होता मैं भी समझता, क्योंकि हम लोग आर्मी कंपटीशन में एकदम लास्ट आया है और जनरल इंस्ट्रक्टर से लड़ाई करने का भी हिम्मत किए है। वो लड़का बोलता है इंस्ट्रक्टर हो भी इतने ऊपर से कुदकने की हिम्मत नहीं करेगा, यहाँ तक कि वो मार्शल आर्टिस्ट भी है तब भी। फिर हमें मीटिंग रूम में दिखाया जाता है। यू बोलती है ये लीजिए यहाँ का सभी इन्फॉर्मेशन इसमें है। चैन बोलता है जैसे ही ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा मैं यहाँ से चल जाऊंगा, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर वो अपने मन में बोलता है अगर मैं मिलिट्री का डेटा को देखने लग गया तो मैं बेस को सुधारने में लग जाऊंगा और मैं यहाँ से कभी भी निकल नहीं पाऊंगा। यू बोलती है जनरल इंस्ट्रक्टर चैन आप सोल्जर लोगों को कैसे ट्रेनिंग करवाएंगे, हमारे पास सपोर्ट स्टाफ है और अप्लायंस भी है। चैन बोलता है मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, अगर हम लोग सही में चाहते हैं कि शॉर्ट टाइम में इन लोगों का ताकत बढ़ जाए तो मुझे एक स्पेशल मेथड का इस्तेमाल करना होगा तो वो लोग लॉन्गिया लेवल में पहुंच जाएंगे। वो दोनों शॉक्ड होके बोलते हैं कम समय में लॉन्गिया लेवल में। वो बोलते हैं लेकिन इंस्ट्रक्टर चैन ये कॉम्बैट कैपेबिलिटी लॉन्गिया सबसे ऊपर होता है ना और इतना तक जाने के लिए ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। चैन बोलता है ये मेरे लिए एक उंगली बराबर है। फिर वो हू को किताब देते हुए बोलता है ये देखो। यू ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और बोलती है ये तो। चैन बोलता है ये स्पेशल ट्रेनिंग मेथड है जो मैं बनाया हूँ, ये प्रैक्टिस करने के बाद ये लोग मार्शल आर्ट बन जाएंगे जो आराम से इनर फाइटर को हरा सकेगा। तभी वहाँ पर ऑफिसर आ जाता है, बोलता है मैं हूँ ल्यूडू, मैं भी एक इंस्ट्रक्टर हूँ, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ जनरल इंस्ट्रक्टर, ये आपका मैलेबिलिटी स्किल क्या सीक्रेट है क्या। चैन बोलता है ये मैलेबिलिटी स्किल सीखने के बाद ये लोग इनर स्ट्रेंथ फाइटर से लड़ पाएंगे, वो भी सिर्फ अपना बॉडी का इस्तेमाल करके। वो बोलता है कि ये मैलेबिलिटी स्किल कोई बॉक्सिंग की तरह है। ल्यूडू बोलता है म्यूटाई का कल्टीवेशन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, इनर स्ट्रेंथ से भी ज्यादा, जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है वही सिर्फ कर पाते इसे।